ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चीन में जहां कोरोना वायरस से हालात बेकाबू हैं, वहीं जिला कांगड़ा में भी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एहतियाती तौर पर जिला के 3 प्रमुख अस्पतालों जोनल अस्पताल धर्मशाला, टांडा अस्पताल और पालमपुर अस्पताल में कफ कॉर्नर्स स्थापित किए गए हैं। जानकारी के अनुसार अभी तक पूरे देश में कोरोना वायरस का कोई भी मामला कन्फर्म नहीं हुआ है। चीन में जहां कोरोना वायरस से हालात बेकाबू हैं, वहीं जिला कांगड़ा में भी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एहतियाती तौर पर जिला के 3 प्रमुख अस्पतालों जोनल अस्पताल धर्मशाला, टांडा अस्पताल और पालमपुर अस्पताल में कफ कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। यही नहीं, सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुरूप विभाग द्वारा स्टाफ को कोरोना वायरस के संबंध में अपडेट किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अभी तक पूरे देश में कोरोना वायरस का कोई भी मामला कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद है। विभाग की माने तो इस वायरस की चपेट में आने वाले का तुरंत उपचार शुरू किया जा सके, इसके लिए कफ कॉर्नर स्थापित किए गए हैं। CMO जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरुदर्शन गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस गत वर्ष दिसंबर में दुनिया में सामने आया था। इसके ज्यादा मामले चीन में पाए गए हैं। अभी तक भारत में कोरोना वायरस का कोई भी कन्फर्म केस नहीं आया है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। सरकार द्वारा WHO इंडोर्स गाइडलाइन और एडवाइजर हमें निरंतर प्राप्त हो रही है, जिससे सारे स्टाफ को उसे अपडेट किया जा रहा है। धर्मशाला, टांडा और पालमपुर अस्पतालों में कफ कॉर्नर स्थापित किए गए हैं, जिससे कि ऐसा कोई मरीज आता है या संदिग्ध भी आता है तो उसका उपचार तुरंत किया जा सके। अभी भारत में कोरोना वायरस का कोई भी मामला नहीं आया है। अभी हिमाचल में अलर्ट की स्थिति है। हमारे द्वारा भारत और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन से अपने सब ऑफिस को अपडेट किया जा रहा है। कोरोना वायरस जो है पिछले दिसंबर मंथ ऑनवर्ड्स दुनिया में पहली बार इसका स्केयर हुआ है। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो चाइना में पाए गए हैं। अभी तक भारत में कोई कन्फर्म कोरोना वायरस का केस नहीं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। सरकार द्वारा जो WHO इंडोर्स गाइडलाइंस हैं या जो एडवाइजरी है वो हमें निरंतर प्राप्त हो रही है, और हम अपने सारे सब ऑफिस को, अपने स्टाफ को उसके साथ डेली अपडेट करते हैं। और विभाग द्वारा जो प्रमुख अस्पताल हैं जैसे टांडा, पालमपुर और धर्मशाला, यहाँ कफ कॉर्नर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। जो भी ऐसा कोई मरीज आएगा, संदिग्ध भी आए, तो उसको हम जल्दी से जल्दी उसको उपचार कर पाए। गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, वो हम अपने डॉक्टर्स के साथ और स्टाफ के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक भारत में ऐसा कोई केस नहीं है रिपोर्ट हुआ। तो अभी तो अलर्ट बड़ी स्थिति है, और जैसे ही सिचुएशन इमर्ज होती है वो हैंडल करता है। वी आर शेयरिंग ऑल द एडवाइजरीज विच कम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑल आवर सब ऑफ।